सबसे पहले शेडिंग पे क्लिक किया, ठीक है। हम जो कैप है ना, इस कैप को एंड पे करेंगे, लेकिन जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम पहले करते हैं। इसको मर्ज किया, इसको मर्ज किया, ट्यूब पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और इसको रीनेम कर दिया ट्यूब। अब इस ट्यूब पे हमने एक इमेज टेक्सचर डालना है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए, इमेज और टेक्सचर पे क्लिक कर दिया। इस कलर को इसके बेस कलर पर अटैच किया तो ये ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई इमेज हमने नहीं बनाई। ओपन करके मैं अपना वो वाला इमेज अपलोड करूंगा जो कि पैकेजिंग की तरफ से मुझे मिली हुई है कि ये मॉडल है, ठीक है। तो वो मैंने इंपोर्ट कर लिया, अभी आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन अभी कुछ ही देर में आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है, इस पे मॉकअप लिखा हुआ है, कॉस्मेटिक ट्यूब है और थोड़ा बहुत डमी टेक्स्ट है। ये भी सारा कुछ हम अलाइन करेंगे इस ट्यूब के हिसाब से। परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट में आपको याद है कि हमने यूवी मैपिंग की थी, तब जाके हमारा थोड़ा सा इंसानों वाला लेआउट आया था। सेम इसमें भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले, करने से पहले रिपीट को पहले मैं पहले से ही क्लिप कर दूं ताकि रिपीट ना हो टेक्स्ट, ठीक है। आपको याद होगा कि रिपीट करने से क्या होता है, जो टेक्स्ट है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए ऊपर से अब सिंगल हो गया। तो पहले हम क्या करें, काफी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यूवी एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। अब आप लोग इससे फेमिलियर होंगे बिकॉज हमने परफ्यूम वाली बॉटल में ये किया था। ये है हमारा मॉकअप जो कि मैंने बनाया है इस ट्यूब के लिए। सिंपल स्क्वायर है, दो साइड है इसकी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड पे जो है हमारा ये फ्रंट व्यू है, राइट साइड पे जो है हमारा बैक व्यू है। अब इसको किस तरह से मैप करना है इस ट्यूब पे कि ये फ्रंट और बैक नजर आए, और हमारे फ्रंट की निशानी क्या है कि उसमें कैप का ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो है ना, ये पार्ट, ये फ्रंट व्यू का पार्ट है। तो बेसिकली मॉकअप, कॉस्मेटिक ट्यूब, टेक्स्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे आना चाहिए। इसको यूवी मैपिंग का मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हो उसको यूवी मैपिंग में ब्लेंडर अपने बिहाफ पे करता है। मैं यहां से अगर इसको टेक्सचर की मटेरियल में ले जाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि ये ब्लेंडर ने अपने हिसाब से इसको टेक्सचर दे दिया है मेरी इमेज से निकाल के। लेकिन मेजोरिटी यानी कि 99% टाइम क्या होता है कि हमने खुद करना होता है। ब्लेंडर को इतना सेंस नहीं है कि वो इसके देख सके कि हमारा फ्रंट क्या है, हमारा बैक क्या, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन ब्लेंडर के पास नहीं है, वो हमने बतानी है। तो जब हम ऐसा की इन्फॉर्मेशन होती है और सिलेंडर हो या कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो, हम उस पर हमेशा कट्स डालते हैं। कट्स डालने का फायदा क्या है, ब्लेंडर को ये एटलीस्ट पता चल जाता है कि जो पैकेजिंग है इसकी ओपनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको एल दबा के सबको सिलेक्ट कर दिया तो क्या हुआ है, ब्लेंडर ने देखा है कि ये मैंने ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नीचे वाला नहीं किया हुआ, ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब ऊपर वाले पार्ट में एक तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको अगर हम अनफोल्ड करें, इस सिलेंडर को अनफोल्ड करें तो क्या बनता है, ये स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। आप पेपर को रोल करें, सिलेंडर बन गया। पेपर को अनफोल्ड करें तो वो पेपर बन जाता है, पेपर का यानी क्या, रेक्टेंगल वाला पार्ट। तो ये वो पेपर है, ये वाला वो पेपर है। इसको अगर मैं रोल करूंगा तो फिर क्या होगा, सिलेंडर बनेगा। अगर उसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये पेपर बन जाएगा जो कि हमें नजर आ रहा है, पेपर की फॉर्म में। इसको ये पैकेजिंग पर्पल वाली जो पीछे है, तो ये दो सर्कल्स की हैं, ये दो सर्कल्स हैं, एक नीचे वाला सर्कल, ठीक है। अगर मैं इस कैप को हाइड करूं ना तो ये देखें, ये सर्कल है, इस सर्कल पे क्या है, बार कोड। ये सर्कल है, इस सर्कल पे क्या है, बार कोड। बाकी एजेस को छोड़ दें, अभी जो ग्लिचेज है उसको छोड़ दें, लेकिन बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाले सर्कल को। और जो ये वाला सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर वाला सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कल जो है, अगर आपको याद हो तो ये, अगर क्लोज करें हम इस मैश को, तो ये क्या बना है, ये येलो लाइन को फॉलो करें, ये पूरा एक सर्कल है जो कि बहुत ज्यादा स्केल हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको स्केल करूं मैं वाई एक्सिस पे, तो आपको नजर आ रहा है कि ये सर्कल है बेसिकली, और उस सर्कल के बीच में लिखा हुआ है बाय फुरकान ला 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 ला, बड़ा ग्लिश्ड फॉर्म है लेकिन ये है सर्कल। तो दो सर्कल्स हैं हमारे पास और एक पूरा सिलेंडर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूवी मैपिंग के लिए, ठीक है। ये सीखना नहीं है आपने, ये बाय डिफॉल्ट है। एक सिलेंडर है, उसके दो हिस्से और तीन हिस्से होते हैं, एक रोल्ड हिस्सा, एक ऊपर वाला सर्कल, एक नीचे वाला सर्कल, ठीक हो गया। तो यहां तक सिलेंडर मैंने कवर कर दिया आपको।
अब इस सिलेंडर इस पिक्चर को जो पीछे पिक्चर है ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे सिलेंडर पे ये हो कि सर्कल्स है ना ये हमारी लीस्ट वो है क्या कह सकते हैं टेंशन। क्यों? क्योंकि ये हाइड हिडन कंटेंट है, हिडन है इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, जो विजिबल पार्ट है हमने उस पर मेहनत करनी है। प्रोफेशनली तो नीचे सर्कल का भी आपको मैप दिया जाएगा, तो वो मैप आपने एज इट इज उठा के इस पर मैप कर देना, यूवी मैप। अच्छा खैर, पहला स्टेप किया है, सबको सिलेक्ट किया, कैप को विजिबल कर देते हैं। सबको सिलेक्ट किया, किस तरह से करेंगे? एल दबा के। एल का मतलब क्या है? लिंक। मैंने अगर एक फेस को सिलेक्ट किया है और एल दबा रहा हूं, तो जितने भी फेस आहिस्ता आहिस्ता लिंकेज की फॉर्म में इसको मिलते जाएंगे, ये उस सबको सिलेक्ट कर लेगा। कैप पे तो ब्रेक लगाया हुआ ना, हमने ब्रेक किया हुआ है, सेपरेट है, तो कैप को नहीं इसे सिलेक्ट किया, तो ये एल से पूरा सिलेक्ट कर लेगा वो मैश जिसपे हम काम करने लगे। जब आपने इस पे एल प्रेस किया, यहां पे आके राइट क्लिक करें और अनरैप कर दें, तो वो अनरैप बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है जैसे आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये अनरैप, ये दो स्टेप्स मैंने आपको बताए, पहले सिलेक्ट फिर अनरैप। बाय डिफॉल्ट अनरैप अनरैप ही रहेगा, लेकिन आगे जाके ये स्वीट ये जब स्टेप हम रिपीट करेंगे तो उसमें अनरैप के चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया पॉइंट को और एल दबाया, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। इसको मैंने उठा के जी और ऊपर ले गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसको प्रेस किया और एल दबाया, सारा सिलेक्टर सिलेक्ट हो गया। जी उठाए और उसको ऊपर ले जाए, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे हमारे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम इस रोल्ड सिलेंडर पे, इसको कैसे मैप करें। पहले तो हम देखते हैं क्या ये सीधा या टेढ़ा है। ठीक है, मॉकअप सही लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें रोटेट नहीं करना, एटलीस्ट पहले टेंशन हमारी खत्म, रोटेशन से जान छुटी। इनको उठा के और दूर ले जाता हूं मैं। ओहो, शिफ्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, जी उठा के दूर ले गया। अब ये जो पार्ट है ना, इस पे हमने अच्छा खासा फोकस करना है। पहले तो हम करेंगे इस बॉटल पे आगे वापस, किधर स्ट्रेट ये आ गया। सिंपल तरीका क्या है, वाइड दबा दें। कट्स लगाने की बात की थी मैंने पहले, कट्स लगाएंगे तो ब्लेंडर को पता चलेगा, यूवी मैपिंग को पता चलेगा कि हमारा जो पैकेजिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पे कट्स आने हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं, हम राइट पे ले जाएं, ठीक है, और ऊपर पे फोकस करें, ऊपर वाले पे। ये जो पार्ट है ना, ये आउटर मोस्ट एज है, तो मैं अगर ऑल्ट दबा के इसको क्लिक करूं तो ये पूरी, ओहो, ऑल्ट दबा के इसको क्लिक किया तो पूरा उसने सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट मोस्ट एज। पहला कट तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा बाय द वे, अपने ट्यूब भी अगर आपके पास इर्द गिर्द पड़ी है ना, कोई भी ट्यूब हो, चाहे ग्लू हो, चाहे फेस वॉश हो, कुछ भी हो, कोई भी कॉस्मेटिक हो, उस पर आप देखें कहीं ना कहीं कट आपको, अगर थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट है तो कट नजर आएगा लाजमी, ठीक है। तो ये आप अपने एंड पे देख सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट मोस्ट एज मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया है और राइट क्लिक करके मार्क सीम पे क्लिक कर देना। ये पहला कट लग गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एल दबाऊं और यहां पे जाके अनरैप करूं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ गया ना, ठीक है। अभी और भी हमने करना है, अभी ये सही तरीके से नहीं आया। अब हम जाते हैं नीचे, ऐसे नहीं, ऐसे ऑल्ट दबा के नीचे लास्ट मोस्ट लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। यहां पे भी कट होना चाहिए, इस पे राइट क्लिक किया, मार्क सीम किया। अब एक रह गया बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, ऑल्ट प्रेस किया, राइट क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस, राइट क्लिक, मार्क सीम। तीन जगह से कट हो रहा है। अगर मैं इस ट्यूब को यहां से कट करना शुरू करूं, असल में फिजिकली की बात कर रहा हूं, मैं कैंची पकड़ूं और यहां से कट कर दूं और यहां से कट करता रहूं और फिर ये सारा कट कर दूं और फिर उसको खोल दूं ना, तो एक टू डायमेंशनल मेरे पास लेआउट आ जाएगा और उस पे हमने मैप करना है। और वो टू डायमेंशनल लेआउट कैसे है, इस पे क्लिक किया, एल प्रेस किया। अब जो ये है ना हमारे पास, मेक श्योर करना पूरा गोल्डन हो, ये लाजमी है, अदरवाइज आपका मैश इनकम्प्लीट है, टूटा हुआ है। अब हमने ऐसा कुछ करना है कि जो हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल को उठा के हम ऊपर ले जाएं, राइट लेफ्ट पे एल प्रेस करेंगे, जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले जाते हैं। अब हम इसको क्लिक करेंगे, एल प्रेस करेंगे, जी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे। जो ग्रे वाला एरिया ना, ये हमारा मैप नहीं होता, मतलब यहाँ पे डेड मैपिंग होती है। जो ये है ना पिक्चर, इस पिक्चर के ऊपर मैप हमारा सही होता है। अब मैं इसको नीचे वाले को उठाऊंगा, जी और नीचे प्रेस कर दूंगा, ठीक है,
वाई एक्सिस पे, तो वाई दबा के अनरैप, ठीक है। जैसे मैंने इस पर अनरैप किया तो ये कर्व नजर आ गया आपके पास। इस कर्व को राइट और लेफ्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? सिंपल है, पहले तो आपने देखना है कि कोई भी इसका वर्टेक्स जो है ना, ग्रे एरिया सॉरी पेपर वाले एरिया, इसको पेपर बोलूंगा बार बार मैं, बिकॉज फिजिकली ये पेपर होता है हमारे पास, पेपर वाले एरिया से बाहर ना हो या इमेज वाले एरिया से बाहर ना हो। तो हम देख लेते हैं एक दफा जूम करके, नहीं है, ठीक है, कोई भी पार्ट बाहर नहीं है। अब इसकी फ्रंट व्यू हम खोल लेते हैं, कहां पे गया, ये फ्रंट व्यू आ गया। इसके फ्रंट व्यू करने के बाद अब थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट हमने करनी है, वो कैसे करेंगे? मॉकअप थोड़ा सा राइट पे शिफ्टेड है, हम उसको ठीक कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये सेंटर से हमने पकड़ा, जी और एक्स पे हमने इसको ले गए यहाँ पे, पहले तो ये हो गया। अब हमने इनको पकड़ना है, इन दोनों पार्ट को, जी एक्स थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा गैप आ गया। कॉस्मेटिक ट्यूब मॉकअप सेंटर में है, बाकी सब कुछ भी सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं है, तो इसको हम उठाते हैं और जी एक्स, ये देखिए मैं यहां से हिला रहा हूं तो आपको नीचे नजर आ रहा है कि वो हिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पे कर दिया सेंट्रलाइज्ड। अब ये थोड़ा सा हिल गया है तो इसको भी ठीक कर देते हैं, जी एक्स, इसको हिलाना है हमने, जी एक्स, ठीक है। फ्रंट साइड हमारी रेडी है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। लेफ्ट साइड देखते हैं, बैक साइड, बैक साइड थोड़ी सी हिली हुई है। क्यों हिली हुई है? बिकॉज ये राइट पे शिफ्टेड है। तो उसका आसान तरीका ये है, इस सबको उठाएं, जी एक्स यहां पे ले जाएं, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। बाकी माइनर एडिटिंग आप कर सकते हैं अपने एंड पे, एक एक पिक्सल उठा के, और एक एक पिक्सल कह रहा हूँ, एक वर्टेक्स उठा के आप एडिट कर सकते हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लिच या कहीं ना कहीं कोई चीज ब्लर आउट हो रही, ब्लर कह रहा हूँ, स्ट्रेच हो रही है, आप उसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ टैप करके एडिट मोड पे, तो ये हमारा प्रोडक्ट फाइनल आ गया, विच इज एग्जैक्ट यूवी मैपिंग जैसे कि मैंने सोचा हुआ था। मॉकअप का सेंटर में आएगा, कॉस्मेटिक ट्यूब मॉकअप यहाँ पे आ गया, और फिर नीचे जो छोटा मोटा टेक्स्ट है वो आ गया। बाकी पिक्सल बाय वर्टेक्स आप इसको मजीद कर सकते हैं, वो टोटली आप पे। ये बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप करते हैं। एल पे क्लिक किया और जैसे जैसे यहाँ पे आप सीम्स ऐड करते रहेंगे, कट्स ऐड करते रहेंगे, लेकिन ट्यूब का कट यहीं पे आता है, ठीक है, एक दो तीन करने के बाद आपने इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके अनरैप किया, और सेकेंडली इसको एल प्रेस करके सिलेक्ट किया, यहाँ से ए प्रेस किया और राइट क्लिक करके अनरैप करेंगे तो फिर इस विंडो पे अनरैपिंग हो जाएगी। अब हम किधर जाएंगे? अब हम जाएंगे इसके कैप पे, मुझे यूवी मैपिंग की जरूरत नहीं है, मैंने इसको किया बंद। मैं गया शेडिंग पे, बल्कि शेडिंग की भी जरूरत नहीं है, मैं मॉडलिंग पे जाके, रेंडर्ड पे जाके, नहीं मटेरियल पे जाके इस कैप को देता हूँ कलर एक। ऑब्जेक्ट मोड पे गए, कैप पे क्लिक किया, मटेरियल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और प्रोग्रेड किया, फिर हम पर्पल दे देते हैं इसको, ठीक है, पर्पलिश पिंक, ठीक है, मेटेलिक थोड़ा सा क्योंकि शाइन है, और रफनेस इसकी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शाइनी कैप हो गया जैसे कि होता है। मजीद इस पे टेक्सचर डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैप्स मोस्टली शाइनी और प्लास्टिक वाली लुक आती है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। रेंडर सेटिंग्स देख लेते हैं कुछ, ये हम साइकिल पे करेंगे रेंडर, बल्कि ईवी मैं रेंडर में ईवी पे कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं इसको रेंडर पिक्चर आप लोगों को भेजूंगा ना, फाइनल, वो मैं साइकिल्स पे करके भेजूंगा।